हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का पोकेमॉन एक्स एंड वाई के एक और एपिसोड में। तो जैसा कि भाई लोगों, अपन को पिछले एपिसोड में मिल गई थी एलिवेटर की की, तो अभी अपन जा सकते हैं इस एलिवेटर में की को यूज़ करके। तो चलो फटाफट जाते हैं इस एलिवेटर में और जाकर देखते हैं भाई क्या होगा इधर। सो अपन एलिवेटर से भाई इधर आ चुके, मेरे ख्याल से दूसरा फ्लोर है। सो जाकर देखते हैं, और अपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो भाई देख लेना यार। और भाई अपन को इधर लिजेंडर मिला है। अरे भाई साहब, लिजेंडर ने एक बंदे को बंदी बना के रखा यार। ओके, ये कोई तो स्टोरी सुना रहा है पहले की, अ टेरिबली लॉन्ग टाइम अगो, मतलब बहुत साल पहले की बात है ये। जरा देखते क्या हुआ था। देर वॉज अ मैन एंड अ पोकेमॉन, ही लव्ड दैट पोकेमॉन वेरी मच। ये बता रहा कि भाई एक बंदा था जिसके पास एक पोकेमॉन था, और भाई वो उसको पोकेमॉन बहुत ज़्यादा प्यारा था। अ वॉर बिगेन, उसके बाद एक लड़ाई शुरू हो गई। द मैंस बिलोव्ड पोकेमॉन टुक पार्ट इन द वॉर, और जो उस बंदे का पोकेमॉन था उसने भी वॉर में, मतलब लड़ाई में हिस्सा लिया। देखते हुए आगे क्या हुआ, आगे देखते जरा क्या हुआ। सेवरल ईयर्स पास्ट, मतलब कुछ सालों बाद। ओके, ही वॉज गिवन अ टाइनी बॉक्स, मेरे ख्याल से मतलब वॉर में उसका बेचारा पोकेमॉन मारा गया होगा किसी और दूसरे पोकेमॉन से। द मैन वॉन्टेड टू ब्रिंग द पोकेमॉन बैक नो मैटर वॉट इट टू, मतलब इस बंदे को अपना पोकेमॉन वापस जिंदा करने का था। ओके भाई देखते फिर। द मैन बिल्ट अ मशीन टू गिव इट अ लाइफ, अच्छा फिर उसने एक मशीन बना दी उसको वापस जिंदा करने के लिए, मतलब उसके पोकेमॉन को जिंदा करने के लिए। ही ब्रॉट हिज बिलोव्ड पोकेमॉन बैक, और भाई साहब उसने मशीन बनाकर उस पोकेमॉन को वापस जिंदा कर दिया रे। देखते फिर क्या हुआ। ओके, द मैन हैड सफर्ड टू मच, हिज रेज स्टिल हैड नॉट सब्सिडेड, भाई मतलब उस इंसान ने बहुत कुछ सहन किया और उसका गुस्सा अभी तक मतलब ठंडा नहीं हुआ है। देखते भाई ऐसा क्यों। ही कुड नॉट फॉरगिव द वर्ल्ड दैट हैड हर्ट द पोकेमॉन ही लव्ड, मतलब उस दुनिया को माफ़ नहीं कर सकता जिसने उसके पोकेमॉन को दर्द पहुँचाया है। भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है यार। ही टर्न द मशीन इन टू द अल्टीमेट वेपन, और भाई ने जो मशीन थी उसको उसने बहुत खतरनाक हथियार यानी कि अल्टीमेट वेपन बना दिया। और भाई उसके बाद क्या हुआ ज़रा देखते हैं। ओके भाई कुछ तो मेरे ख्याल से रिस्ट्रक्शन वगैरह ऐसा कुछ हुआ है, देखो इधर तुमको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मतलब सारे अटैक्स वगैरह किए होंगे पोकेमॉन ने। द मैन बिकम अ ब्रिंगर ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड दैट एंडेड द वॉर, मतलब उस मशीन की वजह से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन आया जिसकी वजह से जो मतलब युद्ध हो रहा होगा वो ख़त्म हो गया। The Pokemon that was given life must have known. Okay, मतलब यही वो Pokemon है जो उस बंदे को बहुत प्यारा था। That the lives of many Pokemon was taken to restore its life. अच्छा मतलब उस Pokemon को पता था कि मतलब उसको जिंदा करने के लिए बहुत सारे Pokemon मारे गए। देखते भाई फिर क्या हुआ। The resurrected Pokemon left the man. अरे भाई जो मतलब जिस इंसान को Pokemon बहुत प्यारा था उस वो Pokemon उसको ही छोड़कर चला गया यार। कितनी बुरी बात है यार, मतलब उसको अच्छा नहीं लगा होगा कि उसकी वजह से इतने सारे पोकेमॉन मारे गए, इसलिए बेचारा उसको छोड़कर चला गया यार। क्या ही मस्त स्टोरी है यार। गेट द की बैक, इट शुड नॉट बी यूज्ड, एवरीथिंग विल वैनिश अगेन, डू यू वांट टू हैव अनएंडिंग पेन लाइक आई हैव। और भाई ये बंदा वही, अगर तुमने पिछले वीडियोज में देखा होगा तो भाई एक बार अपन को ये बंदा मिला था जब अपन कोई एक टाउन में पहुंचे थे। इट्स फाइनली टाइम, फॉलो मी टू माई चैम्बर्स, तो कि ये अपने चैम्बर में बुला रहा है अपन को, तो उसको अपने अपन को उसके चैम्बर में जाना पड़ेगा। देखते हुए इससे बात करते ज़रा। ओके भाई तो फिर से बोल रहा है कि भाई की को गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो भाई लोगों, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार देख लेना, क्योंकि यार पिछले वीडियो में अपना जो गेबाइट था वो इवॉल्व हो चुका था गार्चो में, और पिछले वीडियो में ही अपन को वो की मिली थी, तो तुमको पिछले वीडियो से समझ में आएगा कि मतलब क्या स्टोरी चल रही है। अगर तुम बोलोगे तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगा लिंक, अगर कमेंट करके बताना। अगर तुम लोगों को चाहिए लिंक तो मैं डाल लूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में। तो फिलहाल तो भाई इधर आ गया लिजेंड्रे, और यही मेरे ख्याल से इसका चैम्बर है। सो द पोकेबॉल्स वी रिसीव इन द पोकेमॉन वी हैव गॉट एंड इट ऑल एंड मीन्स आर प्रिपरेशन आर कंप्लीटेड, मतलब इनकी कुछ प्रिपरेशन वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, ये कुछ तो अभी खतरनाक करने वाले हैं। ओके भाई देखते आई बिलिंग बींग अ चूजन वन मीन्स वेदर वी एक्टिवेट द अल्टीमेट वेपन। ओके भाई ये बोल रहे हैं कि अगर अल्टीमेट वेपन को एक्टिवेट करना या ना करना अपने हाथ में, पर ऐसा कैसे जरा देखते हैं। ओके पहले अपन को इस बंदे के साथ बैटल करना पड़ेगा। भाई जेरोनी का नाम है इसका, और इसके पास क्रोबैट है, बंदे ने क्रोबैट भेजा है। तो अपना देखो गिबाइट हाली में इवॉल्व हुआ है, और अपने गार्चोम का ये फर्स्ट बैटल होने वाला है, तो अपन ट्राई करते हैं इस पर ड्रैगन ग्लो। बाकी काफ़ी सही डैमेज दे रहा है गार्चोम, पर फिलहाल अभी अपन को दूसरा पोकेमॉन निकालना पड़ेगा, क्योंकि भाई गार्चोम पहले से पॉइजन हो रखा है और इधर आसपास कोई पोकेमॉन सेंटर नहीं है। तो अभी अपन को इसको फिलहाल पिकाचू से अपन इसको मार देते हैं। और भाई पिकाचू ने भी एक नया अटैक सीख लिया जो कि थंडर, भाई काफ़ी सबसे पावरफुल अटैक यही होता है इलेक्ट्रिक टाइप मूव में, मतलब ऐसे नॉर्मल टाइप मूव में देखे जाए तो। ओके नेक्स्ट पोकेमॉन है इसका मालामार, तो मालामार तो मेरे ख्याल से एक आइस टाइप पोकेमॉन है, आइस और पॉइजन, तो भाई इस पर इतना इफेक्टिव नहीं है यार।
तो अभी अपन को दूसरा पोकेमॉन निकालना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मालामाल को मारने के लिए अपन को कोई फाइटिंग टाइप पोकेमॉन निकालना पड़ेगा। तो चलो लुकारियो को निकालते हैं। लुकारियो के पास अपन ऑरा स्फेयर का यूज़ करते हैं। तो चलो ऑरा स्फेयर का यूज़ करते हैं। और भाई देखो सुपर इफेक्टिव निकला, पता ही था यार ये मतलब आइस टाइप पोकेमॉन ही होगा। वैसे मेरे को याद था इसका एक छोटा फॉर्म होता है, वो बहुत बार आता है, इनके नाम होता है उसका। चलो तो अपन इसको फाइनली हरा दिया है। अभी अब अपन से बात कर रहा है, फिर से यही 3000 साल पहले की बात कर रहा है, वही इनक्रेडिबल पावर। ओके वही मतलब ओके भाई ये बोल रहा है अगर अभी तुम्हारे हाथ में कि मतलब तुमको वेपन एक्टिवेट करना है कि नहीं करना, मतलब ब्लू और रेड में से कोई एक सही ऑप्शन है तो अपन को वो चूज़ करना पड़ेगा। अगर अपन ने सही ऑप्शन चूज़ किया तो यह वेपन को एक्टिवेट नहीं करेंगे। तो शायद तो ओके नाइस, अपन एकदम सही ऑप्शन चूज़ किया है। पर भाई बंदा पलट गया, देखो देख लो भाई बंदा पलट गया भाई। बोल रहा है कि भाई अभी एक्टिवेट करेगा, भले ही अपन ने सही ऑप्शन चूज़ किया पर फिर भी एक्टिवेट करेगा। कम ऑन लुक ऑन द मॉनिटर, देखते भाई क्या हो रहा है मॉनिटर में। ओके मेरे ख्याल से इस टाउन में तो अपन जा चुके हैं, ये शायद मेरे को पता है कौन सा टाउन है, ये रॉक टाइप टाउन। हाँ देखा हुआ ये टाउन। ओके भाई इधर सारे पत्थर फिर से नीचे चले गए, देखते ज़रा क्या होने वाला है इधर। या तो मेरे ख्याल से इन्होंने अल्टीमेट वेपन को इधर ही इंस्टॉल किया हुआ है। अरे भाई साहब सारे घर वगैरह उल्टे पड़ गए, अरे इधर देख सकते हो आजू बाजू के। अरे भाई क्या ये क्रिस्टल तरह की चीज़ निकल रही है भाई, इसके नीचे तार वगैरह सब फिट किए हुए है भाई, मेरे ख्याल से ही इसका अल्टीमेट वेपन है। अरे भाई ये तो फ्लावर की तरह एकदम खुल गया इधर से, और उसके बीच में से देखो रोशनी जा रही है ऊपर आसमान में, काफ़ी सही लग रहा है यार ये। ओके भाई, और भाई इसमें से कोई पोकेमॉन निकलेगा क्या इसमें से? मेरे ख्याल से तो नहीं। ओके नहीं ये वापस ज़मीन में जा चुका है मतलब। ओके मेरे ख्याल से वेपन एक्टिवेट हो चुका है, और उसमें देखो तुम देख सकते हो उसके ऊपर कुछ तो बॉल टाइप का ब्लू कलर का कुछ है, स्पेयर टाइप का। तो चलो इस बंदे से एक बार बात करते अपन। डिड यू सी द अल्टीमेट वेपन इज रीबॉर्न, द पॉइजनस फ्लावर इज ब्लूम। ओके इसका नाम पॉइजनस फ्लावर है। हाँ ये याद आ गया, जियोसेंग टाउन का है ये, जो मतलब जहाँ पर ये हुआ अल्टीमेट वेपन एक्टिवेट हुआ है वो जियोसेंग टाउन है। सो भी ट्राई करते हैं अपन एक बार रेड बटन दबा कर देखते हैं क्या पता स्टॉप हो जाए तो। नथिंग हैपन, कुछ नहीं हुआ यार। तो चलो इधर से अपन बाहर निकल जाते हैं। तो अभी अपन को फटाफट जाना पड़ेगा जियोसेंग टाउन में, उधर जाकर ही अपन को पता चलेगा यार कि अपन उसको कैसे रोक सकते हैं या फिर नहीं रोक सकते वो अल्टीमेट वेपन को, क्योंकि वो डिस्ट्रक्शन वगैरह ही करेगा अल्टीमेट वेपन है तो। तो चलो अपन इधर बिना देरी से अपन फटाफट पहले तो जाकर पोकेमॉन सेंटर जाएंगे और उधर जाकर अपने पोकेमॉन को हील कराएंगे। सो इधर अपन फुल स्पीड में जाते इधर से पोकेमॉन सेंटर ढूंढते चलो फटाफट। तो अपन अभी तो पोकेमॉन सेंटर में आ गए और भाई अपन ने सारे अपने पोकेमॉन को हील करा दिया है। तो अभी अपन इधर से क्या करेंगे, पोकेमॉन सेंटर से बाहर निकलेंगे फटाफट और अपने चार्लीजार्ड को बोलेंगे कि भाई अपन को ले चल जियोसेंग टाउन में, किधर ही अपना चार्लीजार्ड ये रहा। तो इसको अपन बोलेंगे कि फ्लाई कर दे तू भाई डायरेक्ट जियोसेंग टाउन में। तो जियोसेंग टाउन किधर है देखते हैं जरा, किधर है जियोसेंग टाउन भाई। इधर सारे एक बार सिटी चेक करनी पड़ेगी अपन को, मेरे ख्याल से लास्ट वाला होगा कोरमैन के पास ही था, ये रहा शेलर सिटी के पास ही था शायद तक, ये रहा लास्ट में होगा, ये रहा जियोसेंग टाउन। तो चलो यार बिना देरी के चलते हैं फटाफट जियोसेंग टाउन में। और भाई अल्लाह होगा अपन आ चुके हैं जियोसेंग टाउन में। ओके बढ़िया। ओके भाई इधर देखो पूरी टीम फ्लेयर इधर खड़ी है, रास्ता ब्लॉक किया हुआ इन लोगों ने। ओके भाई घर वगैरह सब उलट पुलट हो चुके हैं, देखो साइड के बेचारों के घर। और भाई कब्जा कर दिया रे इन लोगों ने सभी घरों के आगे, किसी को मतलब अंदर नहीं जाने दे रहे ये भाई। इधर अलग चीज़ हो गई, जियोसेंग टाउन क्वाइट स्टोन स्पीक वॉल्यूम्स। बढ़िया बढ़िया यार बढ़िया, ये देखो अल्टीमेट वेपन लग रहा है वैसे काफ़ी ख़तरनाक और डेंजरस है। सो अपनी भलाई इधर से कि इधर से निकल जाए। ओके ये बंदा आया है, ये तो फ्लेयर का मेंबर ही है, तो यही बैटल क्यों कर रहा है, बाकी कोई तो नहीं कर रहा, यही कर रहा है अकेला, लगता है रास्ता को प्रोटेक्ट कर रहा होगा। चलो इसने मैनेक्ट्रिक को निकाला, तो अपन करते हैं डिक का अटैक, ग्राउंड टाइप मूव है भाई, एक ही शॉट में कर देना चाहिए इसका काम तमाम। सो बंदे ने डिक किया अपने, और भाई देखो वन शॉट कर दिया यार पूरा इसको, बढ़िया यार। ओके बंदा निकाल रहा नेक्स्ट पोकेमॉन स्क्राफ्टी निकाल रहा है ना, तो स्क्राफ्टी के लिए अपन को चार्लीजार्ड निकालना पड़ेगा, क्योंकि चार्लीजार्ड के पास फ्लाइंग अटैक है, फ्लाई है ना, तो वो भाई काफ़ी सही अटैक है, इजिली मार देंगे अपन इसको फ्लाई से। सो चार्लीजार्ड अपना उड़ चुका है आसमान में, और भाई आधी एचपी तो इसकी ऐसी ख़त्म हो गई, और आधी एचपी तो चार्लीजार्ड ने फिलहाल अवॉइड कर दिया अटैक।
कोई नहीं, अपन एक और बार यूज़ करते हैं। और ये बढ़िया, चलो स्टाफ्टी फाइनली फेंट हो चुका है। और भाई अपना चार्जर लेवल 59 का हो चुका है, अपनी टीम में सबसे ज़्यादा लेवल का चार्जर ही है। और भाई नेक्स्ट पोकेमॉन गोल्ड बैट भेज रहा है बंदा, तो गोल्ड बैट को मारने के लिए मेरे ख्याल से फ्लेम थ्रोअर का यूज़ करते हैं यार। चलो देखते हैं। ओके बढ़िया यार, वन शॉट ही हो गया ये बंदा। तो चलो यार, इस बंदे को तो हरा दिया, अभी लगता है अपन को जाने देगा इधर से ये, क्योंकि अपन पिछली बार जब आए थे चेसिंग टाउन में तभी तो ये रास्ता बंद ही था, इधर मतलब पत्थर वगैरह बने हुए थे। ओके भाई, तो चलो यार फिर चलते इधर। वेश आई एम कमिंग विथ यू, कौन आई है रे? ओके इधर सेरिना है, व्हेन आई वाज इन लेजेंडरी लैब। अच्छा इसको भी पता है अल्टीमेट वेपन के बारे में। सो चलो यार, ये भी अपने साथ आ रही है टीम फ्लेयर को रोकने के लिए। तो चलो बिना किसी देरी के अपन फटाफट जाते हैं इस। ओके टीम फ्लेयर सीक्रेट हेडक्वार्टर्स है इनके, और भाई क्या ही मतलब बेसमेंट बना रखा है इन लोगों ने। सो चलो यार चलते बिना किसी देरी के। और भाई लैब है यार इनका, काफ़ी सही लैब है। सो बना इधर आ चुके हैं लेजेंडरी के पास, और भाई ये मेरे ख्याल से कंट्रोल कर रहा है उस अल्टीमेट वेपन को। ओके अच्छा भाई, मेरे ख्याल से इस अल्टीमेट वेपन से कोई लेजेंडरी पोकेमॉन निकलेगा, मेरे ख्याल से वो जर्नियस ही होना चाहिए। ठीक है भाई देखते एक बार। तो मेरे ख्याल से लेजेंडरी से भी अपन को एक बैटल करना पड़ेगा या तो शायद तक, देखते ज़रा। लेट अस सी क्या होता है भाई। फिलहाल तो अपन से बातें कर रहा है, बट डेट डजेंट गिव यू राइट टू डिस्ट्रॉय एवरीवन, सो टेल मी द मेगा रिंग दैट्स डिफरेंट। भाई लेजेंडरी बोल रहा है कि तुम मतलब अपन दोनों में से मेगा रिंग तो खाली अपन को मिली, सरीना को नहीं मिली थी, इसलिए मतलब किसी को तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और भाई लेजेंडरी बोल रहा है इसलिए इंसानों और पोकेमॉन को कम करना पड़ेगा इस दुनिया से, मतलब क्या ही सोच है इसकी। अरे भाई साहब रो रहा है यार लेजेंडरी, टीयर्स व्हाई, पोकेमॉन शैल नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ह्यूमंस हैव वर्क विद पोकेमॉन्स एंड वी हेल्प ईच अदर फ्लरिश, बट प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ दैट दे विल इनएविटेबली बिकम टूल्स। इनफ ऑफ दिस, यू वॉन्ट टू स्टॉप द अल्टीमेट वेपन एंड आई रिफ्यूज टू डू सो, सो आई विल कीप यू बिजी फॉर जस्ट अ मोमेंट। सो अपने साथ बैटल कर रहा है बंदा, चलो करते। अच्छा डुओ बैटल नहीं है, सिंगल बैटल ही है। भाई ने निकाला मिनशाओ को। ओके मिनशाओ फाइटिंग टाइप पोकेमॉन होगा, तो मेरे ख्याल से डिग काम करना चाहिए इस पर। चलो देखते हैं यार, देख ही लेंगे। आधी एचपी तो इसने खुद की गवा दी है, और भाई आधी एचपी अपन ने गवा दी इसकी। चलो बढ़िया, और अपना गार्डशॉम हो चुका है लेवल 49 का, बढ़िया। ओके भाई बंदा भेज रहा नेक्स्ट पोकेमॉन गैराडोस को, गैराडोस। ओके सो अपन निकालते अपने पिकाचू को, और इसका गैराडोस बाहर आ चुका है, तो अभी अपन ट्राई करते हैं इस पर थंडर का। अरे भाई साहब गैराडोस ने अटैक अवॉइड कर दिया यार, शिट। और भारत को वैसे पिकाचू का काम तमाम कर दिया इसने। सो अभी अपन को मदद लेनी पड़ेगी अपने लुकारियों की, क्योंकि बाकी सारे पोकेमॉन यार इतने इफेक्टिव नहीं होंगे इस पर। तो चलो अपने लुकारियों को मेगा इवॉल्व करते हैं, और इस पर यूज़ करते हैं ऑरा स्फीयर का, देखते ज़रा भाई कितना इफेक्टिव पड़ता है ये मूव इस पर। मेरे ख्याल से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा यार, पर यार मेरे ख्याल से अपन को ग्रेनिंजा निकालना चाहिए था, अपन ने गलती कर दी इसको निकाल कर, पता ही था यार। शिट ओ शिट यार, मैं कैसे भूल गया इसके पास अर्थक्वेक था यार, अरे अरे गलती कर दी। चलो फटाफट ग्रेनिंजा निकालते अपन बिना किसी देरी के। भाई ग्रेनिंजा बाबू फटाफट बाहर आ जाओ, और अपना ग्रेनिंजा बाहर आ चुका है अभी। और भी इस पर अपन ग्रेनिंजा के पास एक्स्ट्रा सेंसरी अटैक है ना, तो ये इस पर अपन यूज़ कर सकते हैं। चलो फटाफट करते एक्स्ट्रा सेंसरी अटैक, और भाई ग्रेनिंजा की भाई कैसे ही कर दिया रे इसने तो, एक्स्ट्रा सेंसर यूज़ करते चलो अपन। और भाई आउटरीच कर रहा है बंदा, तो भाई अपन ग्रेनिंजा तो भाई दूसरा पोकेमॉन निकालना पड़ेगा अपन को। चलो अपना टायरेंटम बाहर आ चुका है, तो इस पर भाई ट्राई करते अपन क्रंच का। ओके बढ़िया यार, ग्रेनिंजा तो फेंट हो चुका है, देखते हैं इसका लास्ट पोकेमॉन कौन सा है। लास्ट है कि पता नहीं कौन सा सेकेंड लास्ट है। ओके हॉर्नस्क्रो भेज रहा है बंदा, हॉर्नस्क्रो। अरे इसका मर्क्रो द्वारा मर्क्रो हॉर्नस्क्रो में इवॉल्व हो गया अभी, मतलब अपन ने उसके लैब में तो फाइट की थी, अगर तुमने पिछले वीडियो में देखा होगा तो भाई उसके पास मर्क्रो था, और इसका इवॉल्व हो चुका है हॉर्नस्क्रो में। कोई नहीं अपन इस पर यूज़ करते हैं ड्रैगन क्लॉ का, बढ़िया यार फेंट हो चुका है, बढ़िया। पायरोर भेज रहा है, मतलब लास्ट पोकेमॉन बचा रहा है इसका पायरोर। ओके सो पायरोर को मारने के लिए अपने पास अर्थक्वेक है रे, अपन एक ही हिट में इसको मार देंगे रे, बढ़िया। ओके बंदा डार्क पर्स यूज़ किया, अपन यूज़ करते हैं इस पर अर्थक्वेक, और भाई देखो वन शॉट यार, यही तो मजे है यार। और भाई अपन हरा दिया लेजेंडरी को, बढ़िया।
सो चलो यार, यू आर स्ट्रॉन्ग एज एवर, बट यू इज टू लेट, देयर नो होप फॉर यू नाउ. गो डाउन टू द लोवेस्ट फ्लोर एंड सी फॉर योर सेल्फ. इट्स नॉट ओवर येट, बिग वी, लेट्स लुक फॉर द लेजेंडरी पोकेमॉन. ट्रेनर्स आर प्रोटेक्टेड बाई पोकेमॉन. यू कैन सी द एंट्रेंस ऑफ लोअर फ्लोर्स ओवर देयर. ओके, उधर मतलब लोअर फ्लोर भी है, तो अपन उधर लोअर फ्लोर में जाते हैं. वैसे भाई इधर से खतरनाक दिख रहा है, अल्टीमेट वेपन ये. तो फटाफट अपन बढ़ते हैं लोअर फ्लोर की तरफ. लेट्स हरी. तो सरीना भी अपने साथ साथ ही है. इधर दो बंदे दिखे, तो अपन को दो बंदे से पहले लड़ना पड़ेगा. तो चलो इन लोगों के साथ लड़ते हैं पहले. ओके, इनके पास एक के पास है ये लेपर्ड और एक के पास है टॉक्सिक रॉक. तो अपन लेपर्ड पर करेंगे डिग, और भाई ये मियाउस्टिक कर देंगे टॉक्सिक रॉक पर, जो करना होगा इसको. ओके भाई, टॉक्सिक रॉक ने किया शक्कर पंच. भाई काफ़ी डैमेज कर दिया बेचारे मियाउस्टिक को. ओ भाई, पन यार बढ़िया यार, मियाउस्टिक ने वन हिट कर दिया टॉक्सिक रॉक को. तो चलो अपन लेपर्ड पर करेंगे डिग अटैक का यूज़. देखते भाई बंदा मरता है कि नहीं मरता. भाई इसका मियाउस्टिक तो मर चुका है, और इसने निकाला अपना चेस्ट नॉट. सो अभी अपन यूज़ करते हैं इस पर डिग का. लेट अस सी. ओ भाई बढ़िया बढ़िया. ओके ओके बढ़िया. चलो अपन ने मार दिया इसको, तो हरा दिया है. अरे अरे हार गए रे तुम तो जी. सो चलो यार, इधर से अभी फटाफट बढ़ते अपन अपनी दूसरी, देखते यार और कौन बंदे बीच में आते हैं अपने से लड़ने के लिए. एकदम उसने बोला था एकदम नीचे जाना अपन को सीढ़ियों से. ओके बिग वी. ओके ये तो शौना है, ये भी लगता है अपने साथ चलने वाली है. ओके बट फ्रेंड्स टू स्टिक टुगेदर. ओके इसको भी अपने साथ चलना है, तो चलो लेकर चलते हैं इसको भी यार. दोस्तों को तो हमेशा साथ में रखना चाहिए यार, है ना. तो चलो ऑफकोर्स लेकर चलते हैं इसको. पर यार ये डरपोक है यार, मेरे ख्याल से भाग जाएगी ये. कोई बात नहीं यार, अपन इसको तो लेकर जाना अपना फ़र्ज है. चलो लेकर चलते हैं इसको नीचे. और भाई अपन ओके, दरवाज़ा मिल गया फाइनली अपन को. पर मेरे ख्याल से इधर लॉक लगा हुआ है, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक लॉक. ओके यार सोना अपनी मदद कर रही है. क्लेमोन ने दिया था इसको पजल सॉल्वर. और भाई लोग लॉक ओपन. ओके डोर फाइनली ओपन हो चुका है, मतलब लॉक ओपन हो चुका है, अभी अपन डोर ओपन कर सकते हैं. सो वी आर फाइनली द लेजेंडरी पोकेमॉन इज इनसाइड. अरे भाई अच्छा, मतलब लेजेंडरी पोकेमॉन इसके अंदर है. ओ भाई साहब, अरे भाई भाई क्या ही लग रहा है यार. ओके पक्का जर्नियस है यार ये, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा तभी मतलब जर्नियस बाहर निकलेगा. वी आर इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द लैब. इज दैट द लेजेंडरी पोकेमॉन? अरे हाँ यार भाई, इधर तो बहुत सारे बंदे इकट्ठे हो चुके हैं. पर मेरे को लगता है कि भाई अपन आज के लिए उसे अपन इतना रखेंगे, अभी अपन नेक्स्ट पोकेमॉन में लेजेंडरी पोकेमॉन को देखेंगे कि भाई अपन कैच कर पाएंगे. तो पहले तो अपन को इन सभी लोगों के साथ लड़ना पड़ेगा. तो गाइस आज की वीडियो में उसे अपन इतना रखेंगे, और अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में इन सभी बंदों से निपट लेंगे. ओके भाई ये दो बंदियाँ मतलब सरीना और उसके पीछे गई शोना के पास. तो अभी अपन इतना गेम अपना सेव कर लेते हैं, और अभी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.